इतने बुजुर्ग नेता हैं, अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। हाल ही में दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने उन पर जमकर निशाना साधा। अपनी जनसभा के दौरान ज्योतिराज सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। वहीं दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुना जिले के मकसूदनगढ़ इलाके के रघुनाथ गांव और विदिशा जिले के मुंडेला गांव में सभाओं को संबोधित करते हुए सिंधिया को गद्दार करार दे दिया। बहरहाल दोनों ही नेताओं में जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। चर्चा को विस्तार देते हैं, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता, अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश में भले ही अभी चुनाव में 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता आमने सामने। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों ही नेताओं के बीच तल्खी जब जाहिर है। समय समय पर दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन इस बयानबाजी ने उस वक्त और जोर पकड़ा है जिस वक्त से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सिंधिया के साथ ही उनके समर्थक आमने सामने हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी के गद्दारों के मामले जाने जाते हैं। जो ओसामा को ओसामा जी कहे और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे, गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय करे। मध्य प्रदेश की सियासत में ये पहली दफा नहीं है जब गद्दार खुद्दार और टिकाऊ के साथ ही बिकाऊ को लेकर बयानबाजी हुई हो। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से एक दूसरे पर जुबानी प्रहार होते रहे हैं। एक बार फिर से इस तरह की बयानबाजी ने सियासत को और ज्यादा गर्म कर दिया है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या जुबानी जंग कम होती है या आगे पिक्चर अभी बाकी है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और उस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज अहमद सिद्दीकी, बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, और हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे गुना संवाददाता मोहन बघेल जी। सबसे पहले मोहन, आप ही का रुख कर लेते हैं। ये जो गर्माहट, ये जो तल्खी उभर कर सामने आई है आपके इलाके में, राजा महाराजाओं के क्षेत्र में, तो आम जनता की क्या प्रतिक्रिया नजर आ रही है आपको, सुनने में आ रही है, और आगे इन सब चीजों का आप राजनीति पे मध्य प्रदेश की क्या असर देखते हैं? जी मोहन। बिल्कुल, जो मैं बता दूं यहाँ राजनीतिक लिहाज से दिग्विजय और सिंधिया की दोनों ही हमेशा से यहाँ पर आमने सामने रहे हैं। जैसे भले ही वो क्योंकि एक पार्टी में रहे हैं, किंतु जब इन्होंने पार्टी चेंज की है यहाँ, तब से जो आप पहली बार दिग्विजय के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शंखनाद किया और जनता से वही भरी सभा में राघोगढ़ में पूछा है कि मैं यहाँ पर आऊं कि ना आऊं, तो ये जुबानी जंग अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर शुरू कर दिया। वहीं इसी के पलटवार दिग्विजय सिंह ने भी अपना बयान जारी कर हो चुका है। आगे आगे आपको क्या लगता है, आगे क्या संभावना नजर आती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अब अपने अपने जो समीकरण है वो बिठाएंगे। पहले भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो विभाजित रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, लेकिन यहाँ पर दोनों में मतभेद रहे हैं। कांग्रेसी भी अपने बटे हुए थे पहले से, तो इस हिसाब से हालांकि जो दिग्विजय ग्रुप था उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, और जो सिंधिया समर्थक रहे हैं तो वो उनके साथ चले गए हैं, तो ऐसा इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि ये चाहे वो बीजेपी गए हो, लेकिन हाँ भाजपा में जाने से जो भाजपा की टीम है वो जरूर साथ हुई है, और जो कांग्रेसी थे कार्यकर्ता वो भी उनके साथ आए। वन प्लस वन हो गया है, जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मोहन आपका। फिरोज जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रदेश की राजनीति को,
तो कदम दर कदम जो है बीजेपी कहीं ना कहीं ऊंचाइयां चढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए आपके जो समर्थक थे मूल सिंह जी, खासकर कट्टर समर्थक थे राजा साहब के, उनके बेटे को ही जो है अपने पाले में सिंधिया जी ने ले लिया। तो ये जो सेंध मारी है, जाहिर सी बात है आपका जो कांग्रेस का महल है वो तो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रसातल में गई, 7% वोट उसका गिर गया, उसकी 65 सीटें चली गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार रोकना चाहूंगा, वो कैसे गई? वो तो आपने उस चुनाव को डिक्लेयर कर दिया था कि जनता का कांग्रेस कहीं है ही नहीं मैदान में, जनता का और ये बीजेपी का चुनाव है। तो भाई मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, 18 में कैसे तो उसके बाद जब गई भारतीय जनता पार्टी तो अब मेहनत की थी उसमें। हाँ तो भारतीय जनता पार्टी अब ऊपर उठने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो अब लोग वोट दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो कोई सट्टा बाजार चलाता है, कोई किसी काम में फंसा है, कोई रेत खोद रहा है, किसी ने मटके ही खरीद डाले कुंभ में 700 रुपया का एक मटका, किसी ने कोई जंगल कटवा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत नहीं सकता। अभी भी जो उपचुनाव हुए उसमें एक ने 2.25 लाख की लीड कम कर ली और दूसरा कार्यकर्ता 12,000 से हार गया। तो और बाकी जो जीते वो या तो कांग्रेस से आया था या सपा से आया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने तो ये मजबूरी है कि वो लोगों को लाए, क्योंकि उनका कार्यकर्ता तो अब चुनाव नहीं जीत सकता। मजबूरी है कि वो दूसरी पार्टियों से लोगों को लाए, कुछ उसके जो खुद का वोट है उस वोट को का वो उपयोग करके वो चुनाव लड़े। बस इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कुछ नहीं कर पाएंगे वहां राहुलगढ़ में। दिग्विजय सिंह जी के परिवार ने वहां लोगों को मैन टू मैन कांटेक्ट जिसको कहते हैं वो उस तरीके से उन्होंने स्थापित किया है राहुलगढ़ के लोगों को। टूट कैसे हो गई, कहां ठीक है, बहुत जरूरी रही। यही बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक अभिलाषाएं पाले रहते हैं, राजनीतिक ऊंचाइयों को पाने के लिए वो इस तरीके के काम करते हैं। वो चले गए ठीक है, अच्छी बात। पंकज जी से जवाब ले लेते, पंकज जी काफी कुछ हो चुका है, तोड़फोड़ हो चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता बीजेपी की आ चुकी है कांग्रेस की जगह, अब ये सब आखिर क्यों? देखिए ये उत्तर तो निर्मल जी कांग्रेस पार्टी को देना, कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनका हम जिक्र करें वीरेंद्र सिंह जी, वो क्या कहते हैं जी कि लक्ष्मण सिंह जी के रहते किसी का आत्मसम्मान नहीं शेष रह सकता और जयवर्धन सिंह के रहते किसी का राहुलगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और देखिए जयवर्धन सिंह विधायक मंत्री बन जाते हैं, लक्ष्मण सिंह जी विधायक, दिग्विजय सिंह जी सांसद, तो राघोगढ़ में इस बात को लेकर रोष और आक्रोश है, क्योंकि राज्यसभा तो दिग्विजय सिंह जी, लोकसभा तो दिग्विजय सिंह जी, लोकसभा तो लक्ष्मण सिंह जी, विधानसभा तो जयवर्धन सिंह जी, मंत्री तो जयवर्धन सिंह जी, कौन सा खेल चल रहा है इसी परिवार ने? मेरा उत्तर पूरा सुन इसी परिवार ने। पर आज तो फिरोज जी हम ये जानना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी बहुत गद्दारी की बात करते हैं। आज चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी है, दिग्विजय सिंह के स्वर्गीय पिताजी राजा बलभद्र सिंह की चिट्ठी है, 16 सितंबर 1939 की चिट्ठी है, राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड में है। इस चिट्ठी में आदरणीय राजा बलभद्र सिंह की पिताजी दिग्विजय सिंह जी लिख रहे हैं कि 1700 से उनका परिवार अंग्रेजों का ब्रिटिश लोगों की मदद करता है, सपोर्ट करता है, उनका हिमायती है और उसके बदले राघोड़ को बहुत सारी चीजें मिली। और कहीं दूर नहीं जाना तो राजा रघुवीर सिंह का इतिहास पढ़ लिया, जिन्होंने कहा इन्होंने सदाशिवराव भाऊ का तीसरे पानीपत के उसमें रावण के लोगों ने साथ नहीं दिया, तब राजा बलवंत सिंह थे, मैं नाम भी याद ला रहा हूँ ताकि कांग्रेस को नाम याद रहे, और फिर राजा जयसिंह ब्रिटिश का साथ देते थे। तो जिन्होंने जीवन भर जिनके और मिया भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी के स्वर्गीय पिता श्री राजा बलवंत सिंह जी का पत्र है जो सार्वजनिक डोमेन में 2002 में आया, फिर गायब कर दिया गया, आज फिर प्रकट हुआ है। ये बात करते हैं गद्दारी की, एक गंभीर आरोप लग रहा है फिरोजी आपके पास आते हैं, बातचीत का सिलसिला इसी के साथ जारी रहेगा, उत्तर भी लेते रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है जी। फिरोजी बता, देखिए ऐसा है कि मेरे मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, तो मैं अटेर के उपचुनाव में गया था तो वो मंच से खड़े होकर कह रहे थे शिवराज सिंह जी कि सिंधिया परिवार ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, गद्दारी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ, अगर सिंधिया गद्दारी नहीं करते तो अंग्रेज जो है इस देश को छोड़ के बहुत पहले ही चले गए होते। ये उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा,
ये भी ये भी सामने आई है बात कि जो सिंधिया जी अभी कह रहे थे ना ओसामा जी, तो जो देश का पहला आतंकवादी था वो नाथूराम गोडसे था, उसकी जो 9 mm की पिस्टल थी वो सिंधिया राज घराने की थी, ये भी अदालत के जो है आदेश में लिखा हुआ है और बाकायदा है कि ये उनकी पिस्टल सीज हुई है, ये उनकी पिस्टल सीज हुई है, अरे पिस्टल सीज हुई है, ठीक। अब जो है उनके परिवार का इतिहास निकाला जा रहा है, तो आपको ये बता दूं कि जो जितनी भी स्टेट थी, राजा बलभद्र सिंह ने जो लिखा वो 16 सितंबर 1939 राजमाता सिंधिया की पुस्तक पढ़ लीजिए, 16 सितंबर, अरे हमको उनकी गद्दारी का इतिहास पता है भाई, मेरे मुख्यमंत्री गलत नहीं बोल सकते ना, शिवराज सिंह जी ने बोला है ना ये बात, स्वीकार करी इस पर क्या कहना है, देखिए मोहन जी, 16 सितंबर राजा बलभद्र सिंह ने सिंह जी के पिताजी ने स्वीकार किया है, जवाब ले लेते, हमारा परिवार अंग्रेजों और ब्रिटिशों का क्या लिखा है, जवाब दे रहे, 16 सितंबर 1939 का ये पत्र है, जितनी भी स्टेट्स थी वो हिस मैजेस्टी के कंट्रोल में थी, ये ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, वो ब्रिटिश इंडिया में जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें एक रावगढ़ थी, भोपाल नवाब की थी, जितनी भी जैसलमेर स्टेट्स थी, जितनी भी स्टेटें थी वो प्रिंसली स्टेटें थी, उनको सब संधि के आधार पर थी, और जितने राजा थे वो सब कस्टोडियन थे, अगर उस जमाने में उन्होंने कोई लेटर लिखा था 1939 में तो सारे ही लोग गुलाम थे और सभी कस्टोडियन थे, मतलब सारे राजा इसी तरह का पत्र लिखा करते थे, सभी इनकी संधियें थी, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया उसमें लिखा है उन्होंने कि जितनी हमारी संधियां प्रिंसली स्टेट्स से थी वो सब हम नल एंड वाइड करते हैं, और जितनी प्रिंसली स्टेट बाकी राजाओं के लिए, अरे हम तो ये पूछ रहे हैं भाई, अरे आप तो ये बता दो भाई, शिवराज सिंह जी गलत बात बोलते हैं क्या, उन्होंने कहा था कि सिंधिया ने, राजपथ से लोकपथ में, अरे भैया सिंधियाओं ने गद्दारी की थी, ये गलत बात बोलते क्या, 1700 सन से, अरे मैं अंग्रेजों को, मेरे मुख्यमंत्री सही कहते हैं कि सिंधियाओं ने गद्दारी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ, पंकज जी फिरोज जी भाई मेरे मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, फिरोज जी निर्मल जी एक मिनट, अंग्रेजों के और बिल्कुल एक मिनट, देखिए अरे मुगल तो इस देश के वफादार थे, मुगल तो इस देश के वफादार थे, फिरोज जी एक मिनट शांत, मुगलों ने तो वफादारी की, पंकज जी मेरी बात सुन रहे, फिरोज जी मुगल वफादार थे ना, बिल्कुल थे, अगर उन्होंने रानी लक्ष्मी, हाँ एक मिनट देखिए निर्मल जी कांग्रेस का झूठ, हाँ बिल्कुल मुगल शांत हो रही है, फिर से कह रहा हूँ मैं, अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, यही कांग्रेस का चरित्र जो, हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं, फिर से कह रहा हूँ मैं, अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुगल मान लगते भारत, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, अगर बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की लड़ाई लड़ी, और पूछ लीजिए जितने लोग बैठे सबसे पूछ लीजिए, और अगर उन्होंने भी गद्दारी की होती सिंधियाओं के साथ तो आज भारतीय जनता, आज लाल किला भी उनके पास होगा, ताजमहल भी उनके पास होगा, जैसे ग्वालियर फोर्ट सिंधियाओं के पास है, भारतीय जनता पार्टी भी उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है, हम भी मानते हैं मुगल महान, हमारे लिए राणा प्रताप महान, हम भी कहते हैं राणा प्रताप महान, हमने कब कहा कि राणा प्रताप महान नहीं थे, गोविंद सिंह महान, हाँ हम भी कहते हैं कि वो भी महान थे, चेतक ब्रिज जमीने तो बनवाया है, यहाँ भोपाल में है ना चेतक ब्रिज, उनके घोड़े तक को हमने गौरवान्वित किया है, फिरोज जी पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, अरे हमने कहा ना सिंधिया गद्दार थे और मुगल महान थे, फिर से कह रहा हूँ मैं, सिंधिया गद्दार थे और मुगल महान थे, बहादुर शाह जफर की शहादत ये देश नहीं भूल सकता, बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को मैं सलाम करता हूँ, आप दोनों शांत हो, पंकज भाई शांत हो जाए, पंकज भाई शांत हो, पंकज जी शांत हो, मुगल को महान मानते हैं निर्मल जी, पंकज शर्मा, अरे सही बात है, क्यों बहादुर शाह जफर ने अपने अपने बेटों की कुर्बानी दी या नहीं दी 1857 की लड़ाई में, बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा या नहीं भेजा अंग्रेजों ने, बहादुर शाह जफर को भेजा या नहीं भेजा, मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बताया कि सिंधिया गद्दार थे, मुगल को कैसे मान के सकते हो, अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हीं की सदारत से 1857 की लड़ाई लड़ी थी, भारत में की रोटी खाते, अरे बहादुर शाह जफर ने के ही नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई, मुगल को महान बताते हो, 1857 की लड़ाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई, मुगल को महान बताते हो, 1857 की लड़ाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई, आखिरी मुगल एम्पायर था वो,
एम्परर था, को महान मानो, कोई कहता हो तो मैं, कोई कहता हो तो वह देश का इतिहास बदल के बताए महान थे, और ये इंटरनेशनल हिस्ट्री है, अंतर्राष्ट्रीय है। अरे आप दोनों तो महान है, कर्मल जी शांत हो जाए। निर्मल जी आपके मंच पर मुगल महान, अरे आप दोनों तो बिल्कुल सही बात है, दोनों तो महान है सिंधिया गद्दार। अरे आगे बहस को आगे तो बढ़ने दें। देखिए योगीराज जी भी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, काफी देर से गंभीरता के साथ इस बहस को वो सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं, और बहुत जाहिर सी बात है कि उनकी क्या सोच है सब बारे में वो भी सामने आना बहुत जरूरी है। योगीराज जी, ये जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से बीजेपी कदम दर कदम कांग्रेस को डैमेज कर रही है, और जिस तरीके की बयानबाजियां खासकर हो रही हैं, ये किस तरीके की राजनीति इस समय मध्य प्रदेश के जो परिदृश्य उसमें आप देखते हैं? देखिए बयानबाजी तो यही है कि अपनी श्रेष्ठता एक दूसरे पर कैसे साबित करें जी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि गद्दारी को लेकर कई सालों से, मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से आरोप लगते रहे, सीबीआई गद्दार है, फलाना ये है, ढिमका ये। हमने तो उस समय तो नहीं देखा, 1857 ना हम थे ना 1947 के पहले हम थे, लेकिन मैं तीन चार पीढ़ी का जरूर जिक्र आपसे करना चाहूंगा जी। हमने राजमाता सिंधिया देखी जी। हमने माधवराव सिंधिया देखे, हमने वसुंधरा राजे देखी, हमने यशोधरा राजे देखे, और हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया देखी जी। इन पांचों के कार्यकाल में कहीं से भी ना तो गद्दारी की बुआ थी, बल्कि इन्होंने जो देश के लिए काम किया वो अपने आप में अविस्मरणीय है, पहली बात। दूसरी बात ये, यदि इतने सालों से आप उन पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके सबकी प्रतिष्ठा दिन पर दिन लगातार बढ़ती चली जा रही जी। तो वास्तव में यदि ऐसा होता है इनके प्रति, तो लोग इनके प्रति सिंपैथी क्यों रखते? बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात जी। तीसरी एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उनको ये कांग्रेस का और नेता भी आरोप लगाए तो फिर भी शोभा देता है। मुझे याद है जब माधवराव सिंधिया की डेथ हुई थी, ज्योतिराय सिंधिया बहुत छोटे थे, और दिग्विजय सिंह ने उनके कंधे पर हाथ रख के बोला था, आज से ही मेरे बेटे। लेकिन यदि वो इस तरह के आरोप लगाते हैं सिंधिया को लेकर कि ये गद्दार है, ये मुझे ठीक वैसे ही लगता है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह देश और दुनिया की राजनीति करते रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रावल की जमीन कब उनके हाथ से खिसक गई। चलिए फिरोज जी से बात करते हैं। फिरोज जी, फिरोज जी एक मिनट, पूरा सवाल सुन लें ये, और पंकज जी आप भी सुन लें कृपा करके। आज अगर बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ना तो कोई राजा है ना कोई महाराजा है, हर बंदा जो है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सब पहले कार्यकर्ता है। दोनों पार्टियां इस बात को बखूबी बार बार कहती हैं। तो फिरोज जी, आखिर ये चीज राजा महाराजा गद्दार ये सब आ क्यों जाता है बीजेपी? देखिए ये गद्दारी की सवाल मुझे भी नहीं पता था कि सिंधिया परिवार का ये इतिहास है, ना ही हमने एनसीईआरटी की किताबों में, ना ही हमने सहायक वाचन में, ना ही मध्य प्रदेश के किसी इतिहास में हमने ये चीजें पढ़ाई। तो आज ही पता चला आपको? आज नहीं, सुन लीजिए, जब मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटेर के चुनाव में कहा तब मुझे पता चला ये बात, तो जी। मुझे इससे पहले तो पता ही नहीं थी। और दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल नहीं कहा मकसूदनगढ़ में कि वो सिंधिया गद्दार है, उन्होंने ये कहा कि देखिए गद्दारी मत करो, गद्दारी करोगे तो जो है उस पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको है ना इसका भुगताना भुगतना पड़ता है। ये बात दिग्विजय सिंह जी ने कही। वो ओसामा जी तक पहुंच गए, मैं उनकी पोल खोल दूंगा, तो ठीक है खोलोगे तो फिर खुलेगी। हम तो ऐसी राजनीति से दूर ही रहते हैं कि मुगल थे, मुगल शासन था इस देश में, एक वो इतिहास में दर्ज है, जिसने शहादतें दी कांग्रेस पार्टी उनको सलाम करती है। सिंधिया राज परिवार से कभी कांग्रेस की दूरी नहीं रही। हमने कहा जो लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, वो भी कांग्रेस नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, तो इतिहास में जाके कोई हिंदू मुस्लिम करे, इतिहास में जाके कोई गद्दारी करे, आज मुगलों को गाली दो आप, उसके बहादुर शाह जफर के तीन बेटे शहीद हो गए, अंग्रेजों ने उसकी गर्दन उतार के जो है तश्तरियों में रख के बहादुर शाह जफर को दी, लाल किले से बाहर निकाल के रंगून तक पहुंचा दिया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजी हुकूमत को लेटर लिखा कि मुझे है ना मेरे देश में ले जाके दफना दिया जाए जब मेरी मौत हो जाए, और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत ने उसको भी नहीं माना, तो उन्होंने लिखा था ये कितना बदनसीब है ये जफर, दो गज जमीन न मिली कुएं यार में दफन के लिए। तो जो लोग ऐसे थे तुम उन्हें गद्दार कहोगे तो हम चुप थोड़ी रहेंगे। जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी, और रानी लक्ष्मीबाई ने भी उसमें लड़ाई लड़ी थी, और कांग्रेस पार्टी दोनों की शहादत को सलाम करती है। लेकिन ये जो बातें हैं कि मुगल गद्दार थे, ये गद्दार था, ये नहीं चल सकता इस देश में। योगेश जी,
बात देखिए विकास की बहुत ज्यादा आती है आजकल की राजनीति में, जब चुनाव होते हैं तो विकास दूरी पर रहता है, बताया जाता है हम फलाना विकास करेंगे, ढिकानी चीज देंगे। ये जो चीजें हैं गद्दार की, ये आखिर क्यों पैदा क्यों हो जाती है राजनीति में? क्योंकि क्या पूरी तरीके से कहीं कोई ध्यान भटकाने वाली चीज होती है? अगर सिंधिया की बात करें तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया था अतिथि शिक्षकों का, अभी भी जिसको लेकर उन्होंने इतना बड़ा बवेला मचाया, तख्ता पलट कर दिया सरकार का, उनकी स्थिति तो अभी भी वैसी की वैसी है। योगेश जी, नहीं सही बात है, असल में क्या है, ये मूल जो मुद्दे हैं उन्हीं मूल मुद्दों पर काम होना चाहिए जी। ये तो टाइम बर्बाद करने वाली बातें हैं, कौन गद्दार है कौन वफादार है ये हम सब देख चुके हैं, लोग सब समझते हैं जी। मैंने पहले आपसे कहा कि यदि गद्दारी की यदि होता तो इतने लंबे समय तक शासन नहीं करते। और आज भी जो सिंपैथी ज्योतिराय सिंधिया के प्रति है, मुझे नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के प्रति है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बयानों से इतना ज्यादा अपने आप को निगेटिव अप्रोच कर लिया। दूसरा, डेवलपमेंट की जहां तक आप बात कर रहे हो, राहुगढ़ की आप बात कर लो, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे दिग्विजय सिंह, राहुगढ़ के कई तहसीलों में आज भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो यदि ऐसा आप देखिए, ये तो जो आरोप है वो मुझे तो मुझे एक लाइन बोलने देंगे आप? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिग्विजय सिंह जी जब सांसद थे उन्होंने किया, राहुगढ़ के स्थानीय कितने लोग गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं? NFL जो था वो दिग्विजय सिंह जी थे जब सांसद, तब NFL आया। NFL जब आया था ना दिग्विजय सिंह जी सांसद थे, ना दिग्विजय सिंह का एक इतना कद ऊंचा था, NFL को लेके आए थे माजरा से लिया, उसका उद्घाटन किया था राजीव गांधी ने। उस समय तब दिग्विजय सिंह को बैठने के लिए जगह समय, चूंकि फिरोजी योगेश जी चूंकि समय जो है बहुत ज्यादा आगे नहीं हमको इजाजत देगा, लेकिन फिरोजी से ये जरूर जान लेते हैं, फिरोजी ये जो हिरेन सिंह जी को अपने पाले में सिंधिया जी ले गए हैं, तो अगर अगले चुनाव में राहुल से देते हैं तो जयवर्धन जी के लिए कितनी चुनौती पेश कर सकते? देखिए, मैं बिल्कुल उनके लिए चुनौती नहीं मानता, क्योंकि जयवर्धन सिंह जी राज परिवार से भले आते हो लेकिन वो सेवक की भूमिका में हमेशा रहे, तट पर रहे। राहुगढ़ का कोई भी व्यक्ति उनको सीधे फोन लगा के वो मदद ले सकता है, वो निजी तौर पर भी मदद करते हैं, जो शासकीय योजनाओं के तहत मदद करना है तो विधायक का फर्ज है। लेकिन मैंने राहुगढ़ के जो लोगों के प्रति उनका समर्पण उनकी सेवा देखी है, मैं नहीं लगता कि लोग अपने जो अपना सेवक होता है लोग उसी को चुनते हैं, उसी उन्हीं को सिरमौर बनाएंगे, कोई कितना कर ले कर सकता है, उनको शुभकामना हिरेन सिंह जी को। एक और सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस में सक्रिय नेताओं की बात की जाए तो फिरोजी दिग्विजय सिंह ही चाहे सड़क की बात करें तो भी नजर आते हैं, और तमाम जगह पे जहां पे भी आप देख रहे हैं, तो उनकी सक्रियता का आखिर राज क्या है, ये भी जाते जाते बता दीजिए। देखिए, जो लोग हैं बाकी के जो लोग हैं, सिंधिया जी हमारे यहाँ से छूट के गए, कहा था मैं किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, कहा था मैं अतिथि विद्वानों को नौकरी पे लगवाऊंगा, एक वो है वो हार और फूल और उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी हैं, अगर वो मकसूदनगढ़ में थे तो डूब क्षेत्र के लोगों के बीच थे, लटेरी में थे तो वो डूब क्षेत्र के लोगों के बीच में थे, अगर वो जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं तो लोगों के लिए बीच में जाके काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं जो आदमी लोगों के बीच जाके लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहेगा, उनकी आवाज बनेगा, वही आगे जनता उसी को नेता मानती है। बिल्कुल, जनता उसी को नेता मानती है जो उनके बीच जाके काम करता है। इस बहस में आप सभी शामिल हुए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और राजा महाराजा के बीच तल्खी फिलहाल बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस जहां इस बयान को उचित बता रही है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए सिर्फ बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बयानबाजी का दौर आखिर कब थमता है, और जनहित के मुद्दे पर दोनों ही दलों के बीच बहस कितनी होती है और कहां तक जाती है। बहरहाल, जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतने बुजुर्ग नेता हैं, अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता।